मंच पर आसीन संयुक्त किसान मोर्चा व मेरे सामने बैठी मातृशक्ति बुजुर्गों नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस पवित्र धरती सिंधु बॉर्डर पर मुझे बोलने का मौका दिया और आज इस महान शख्सियत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर मुझे बोलने का मौका दिया, आप सभी का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, किसान संयुक्त मोर्चा ने जो एक बीड़ा उठाया है, यह बीड़ा सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपना संविधान बनाकर हमको दिया था, समानता का अधिकार। परंतु राजनीति लोगों ने अपनी उल्लू सीधा करने के लिए हमें जाति और धर्म में बांटने का काम किया और मैं आज संयुक्त मोर्चा और सभी किसान साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें धर्म जाति क्षेत्रवाद को बुलाकर हम एक मंच पर लाने का काम किया और जिससे आज सरकारों को सोचने पर मजबूर हो गई कि समाज इकट्ठा हो गया और जो मौजूदा सरकार है अब वो उसका तो राजनीति ही फूट डालो राज करने पर है। मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं सभी वर्गों को एक खास तौर पर दलित समाज को भी कहना चाहता हूं कि आप किसानों के साथ जुड़ें, किसान मजदूर एकता बनाए रखें क्योंकि ये आंदोलन जो है किसानों का कम है, मजदूरों का और दुकानदार भाइयों का ज़्यादा है। मेरा मानना, मैं भी दलित समाज से संबंध रखता हूं साथियों, मेरा यह मानना है कि किसान अपने लिए कुछ ना कुछ उगा लेगा, वो जिंदा रह सकता है। अगर ये जो अनाज है चंद पूंजीपतियों के गोदामों में उन्होंने ताला लगा लिया तो आपको मरने के पोजीशन पे आ जाएंगे, हम मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। किसान अपने लिए कुछ ना कुछ उगा लेगा मगर मजदूर और दुकानदार त्राही त्राही करेगा। इसलिए मैं धन्यवाद और फिर पुनः धन्यवाद करता हूँ कि जो ये लड़ाई थी वो मजदूरों की लड़ाई थी, वो छोटे दुकानदारों की लड़ाई थी, आपने इस लड़ाई को गाँव किया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, दलित समाज की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा दलित समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा क्योंकि ये लड़ाई हमारी है। और अगर ये लड़ाई किसान मोर्चा हार गया तो मैं नहीं मानता कि आने वाले समय में कोई भी वर्ग कोई भी समुदाय ये लड़ाई लड़ पाएगा। मैं धन्यवाद किसान मोर्चा का पुनः करता हूं कि उन्होंने दिल्ली से लेकर जम्मू तक, कन्याकुमारी तक, उड़ीसा तक और चाहे आसाम हो, चाहे बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल हो, सब में एकता का सूत्र बांधने का काम किया, सब ने सोचने के लिए मजबूर किया कि कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार जो है देश को लूटने का काम कर रही है और पूंजीपतियों को हाथ में देश को गुलाम करने की सोच रही है। आने वाला समय साथियों जिंदा रहने का समय है और जिंदा जब रहोगे जब आप एक होगे, वरना इस भी हिटलर शाही सरकार ने हमें मारने का काम किया है। जैसे कि प्रधान गुरनाम सिंह जी ने कहा है कि इस देश में ना एजुकेशन है ना स्वास्थ्य का वो है, एक अमीर आदमी बीमार हो जाए उसको चिंता नहीं होती अपने इलाज की और नेताओं का तो इलाज भी फ्री होता है, परंतु गरीब और किसान और मजदूर आदमी दुकानदार भाइयों का जो 5-4 हज़ार रुपये महीना कमाता है उसके लिए सबसे बड़ी विडंबना है, अगर बीमार हो जाए तो अपना इलाज नहीं करवा पाता और जब उसको अगर वो इलाज कराता है तो उसे अपना घर का कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है और जब सबसे बड़ी विडंबना आती है जब वो घर का साथी मर जाता है और घर का सदस्य भी मर जाता है और हमारी फाइनेंशियली भी हम टूट जाते हैं। वह इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि किसान मोर्चा से कि आप एक लड़ाई और लड़ें, स्वास्थ्य की लड़ाई भी लड़ें क्योंकि मजदूर किसान ये वर्ग जो है बीमारी से भी ज़्यादा मरता है, भूख से भी ज़्यादा मरता है। इसलिए मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ इस संयुक्त मोर्चा के लीडरशिप का और स्टेट सेक्रेटरी का जिसने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ आज अंबेडकर जयंती के दिन कि दलित समाज, मेरा पूरा समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।